हेलो स्टूडेंट। तो पार्ट टू आप अच्छे से कर चुके हैं। अब आ रहा है हमारा पार्ट 3। तो आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है हमारा पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्या डिफरेंट एंगल्स के रिलेशंस आते हैं, इसके ऊपर आज का ये पूरा वीडियो है। ठीक है, तो आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं। आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा लाइन एम और लाइन एन जो है आपकी, क्या है आपकी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और जो एल है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने इसको कट किया है। ओके, तो ये लॉजिक आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि कितने पॉसिबल एंगल्स जनरेट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहला टारगेट है हमारा उसको देखना कि कितने आपके पॉसिबल जनरेट हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आपके। वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल पॉसिबल एंगल हमारे 8 हैं। तो अभी 8 एंगल्स, कौन सा एंगल किससे कैसे रिलेटेड है, ये सब कुछ हमारा इस वीडियो में कवर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं। आपको पता ही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज आई बटन पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करस्पॉन्डिंग लॉजिक समझने के लिए। तो आप सबसे पहले देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको देखना है क्या क्या पेयर बना रहा है। तो आप पहले एंगल्स के साथ अपन देखते कोई एंगल क्या करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल वन के साथ। तो आपको देखना है ये जो आपको इस फेज में दिख रहा है, क्या इसी फेज में आपका और कोई एंगल है, वो पहला लाइन के साथ होना चाहिए, मतलब इस लाइन पे है तो अगला एंगल इस लाइन पे होना चाहिए। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो आपका एंगल वन है और जो एंगल फाइव है, ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये आपको दिख रहे हैं दोनों। ठीक, और आपको पता है कि एंगल वन और एंगल फाइव हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, चलिए और कोई पेयर देखते हैं। टू के लिए कोई पेयर दिख रहा है आपको? टू के लिए देखिए, टू के लिए, यस, टू के लिए है सिक्स। तो यहां पे आपका एंगल टू एंड एंगल सिक्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स। ठीक है, चलिए और कोई पेयर दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, और कोई पेयर दिख रहा है आपको? फोर के लिए देखते हैं, चलिए फोर के लिए कोई पेयर, यस, एट। तो एंगल फोर एंड एंगल एट, तो आपको ये पता है अच्छे से कि एंगल फोर और एंगल एट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कोई पेयर? थ्री बचा हुआ है हमारा, थ्री के लिए देखते हैं, यस, थ्री के लिए है हमारा सेवन। तो एंगल थ्री एंड एंगल सेवन, तो एंगल थ्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल सेवन के। तो आपने बहुत ही आसानी से करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन देख लिया। ठीक है, लास्ट में वाइंड अप करके मैं आपको एक प्रॉब्लम इस तरीके से बताऊंगा कि अगर इस 8 कॉम्बिनेशन में, अगर इस 8 एंगल के कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन में कोई भी एक एंगल गिवन हो, कोई भी एक एंगल गिवन हो, तो आप
कंप्लीट सेवन एंगल जो आपको फाइंड करने हो बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे इस वीडियो के एंड में, बहुत ही आसानी से। तो आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल के लॉजिक देख लिए, चलिए तो अब अगला लॉजिक देखते हैं। तो सेकंड लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप देखेंगे आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा सेकंड। ठीक, तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल आपके बना रहे हैं। तो आपको एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक गाइड कर देता हूँ, इस केस में किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को आप देखेंगे वो सारे एंगल आपस में लीनियर पेयर भी हैं। तो अगर आपको एडजेसेंट एंगल नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो ज्योमेट्री पार्ट टू आप देखिए, उसमें एडजेसेंट और लीनियर पेयर का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो उसको आप देखिए। अब आप यहाँ पे मैं फास्टली रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आप डायग्राम की तरफ आ जाइए। तो आप देखिए ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ओके, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ठीक है। तो समझ पाए आप, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं वो दोनों लीनियर पेयर होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एंगल वन एंगल टू, एंगल वन के साथ एंगल फोर भी है, एंगल टू के साथ एंगल थ्री, एंगल थ्री के साथ एंगल फोर, ठीक। इसी तरीके से आगे देखते हैं एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स, एंगल फाइव एंड एंगल एट, एंगल एट एंड एंगल सेवन, एंगल सिक्स एंड एंगल सेवन। तो ये आपके एट लीनियर पेयर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक लॉजिक और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज और पता है कि पॉइंट के लिए चार एंगल का सम कितना होता है 360, फोर एंगल का सम कितना होता है 360। अगर इस लॉजिक को यूज करना पड़ जाता है तो इसको यूज कर लीजिएगा, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन इसमें लग सकता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर आपने देख लिया, अब अगला लॉजिक देखते हैं हम। तो अगला आ गया है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल फोर कॉमा एंगल थ्री कॉमा एंगल फाइव कॉमा एंगल सिक्स, ये आपको अंदर दिख रहे हैं, तो ये आपके एक इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। तो ये इंटीरियर एंगल इतने पॉसिबल हैं। अब आप हेडिंग देख रहे होंगे क्या है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो अगर मैं फोर के लिए देखता हूं तो ये एंगल तो इसके साथ अल्टरनेट नहीं है, फोर के साथ हमारा सिक्स अल्टरनेट है और थ्री के साथ हमारा फाइव अल्टरनेट है, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपका। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब आपको एक बात बता देता हूं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में होते हैं आपके इक्वल, ओके तो आप लोगों ने एक और लॉजिक सीख लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब अगला लॉजिक देख लेते हैं हम। तो अब है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं भैया, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, एंगल वन एंगल टू एंगल एट एंड एंगल सेवन, इतने हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हैं। ये इंटीरियर थे ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे एक्सटीरियर होंगे। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन अल्टरनेट, तो ये और ये अल्टरनेट तो है नहीं, तो ये और ये अल्टरनेट होगा, ये और ये अल्टरनेट होगा, तो सीधी सी बात है पहला कॉम्बिनेशन बनेगा एंगल वन एंड एंगल सेवन, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा एंगल टू एंड एंगल एट। अब आपको फिर से मैं बता देता हूं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, ओके तो आप
इक्वल लॉजिक मिल गया आपको क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपके इक्वल होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेटा इन सारे वीडियो जो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बता रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस करना आप लोग। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट मेमोरी में। एक बार आपके ये चला गया फिर आपका कभी नहीं निकलेगा, ये परमानेंट मेमोरी में डालने का ट्राई करिए इसको, ठीक है। चलिए अपन अब अगला लॉजिक देख लेते हैं। तो अगला है आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल आपकी ये है, इंटीरियर एंगल आपके ये चार हैं, तो इसी के ऊपर रिलेशन चलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया, पहला कॉम्बिनेशन है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये सेम साइड है तो एंगल 4 एंड एंगल 5 है इसमें। दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका एंगल 3 एंड एंगल 6। अब बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो ध्यान से देखिएगा, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का कभी भी लॉजिक आए आपको तो आपको याद रखना है कि इन एंगल का सम आपका 180 होता है, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना है, क्या है ये? वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसी में एक्सटीरियर लगा देते हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो उस केस में आपका ये और ये आएगा कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसका और इसका सम भी 180 होगा। आप याद रखिए, स्मार्ट बनने के लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक। तो आपने ये लॉजिक पढ़ लिया, अब अपन आते हैं इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ एक चीज, एक प्रॉब्लम करके देखते हैं और एक आपको लॉजिक भी बता देता हूं मैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दी है, सारी वैरायटी बता दी। इसके बाद अब ये मैंने इस डायग्राम को जो बनाया है, इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से बनाया है कि डायग्राम खुद बोल रहा है कि कौन कौन से एंगल इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो मैंने आपको एलेबरेट नहीं किया क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है इसका, जो आप सबको दिख रहा होगा कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों वर्ट, तो ये बच्चों को भी पता है। वो प्रीवियस वीडियो में वर्टिकली अपोजिट को एलेबरेट भी कर दिया है, अगर उसमें डाउट हो तो पार्ट टू जरूर देखिए। अब आते हैं यहाँ पे, तो लॉजिक क्या बोल रहा है? लॉजिक ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी एक एंगल पता चल जाए तो आप रिमेनिंग सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ऐसा अज्यूम करते हैं, अपन कोई एक एंगल की एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, वो बाकी एंगल निकाल के देखते हैं। चलिए मैं अज्यूम करता हूं, मान लीजिए लेट एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैंने एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया है, ठीक। अब मुझे रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं, तो बेटा सबसे पहले आप देखिए एंगल 2 कहाँ पे है। एंगल 2 हमारा ये है, ठीक है, एंगल 2 हमारा ये है। अब इसके एक बात बता देता हूं आपको, मल्टीपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल तरीके से, ठीक। तो आपको सारे, जैसे ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये चल रहा है, तीनों पार्ट का नॉलेज होगा तो आपके पास इतने सारे वे हो जाएंगे इसको निकालने के कि आप बहुत सारे वे से बहुत फास्टली निकाल लेंगे। तो ये तीनों पार्ट क्लियर होना जरूरी है, पहले आपको बेसिक का नॉलेज होगा तो एडवांस में आप ऑब्वियसली बात है अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो हम देख लेते हैं, अब मैं आपको कुछ वेज बता रहा हूं पॉसिबल, ठीक। पहले अपन एक वे से निकाल लेते हैं, फिर अपन उसके मल्टीपल वे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हमको क्या क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है एंगल 2, तो एंगल 2 से हम क्या एंगल 4 निकाल सकते हैं? क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इससे एंगल 4 आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ओके, वेरी गुड। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो ये आपका एंगल 6 यहां से आ गया आपका 60 डिग्री। अब 6 और 8 के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 6 इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट है, ठीक। तो ये
आ गया आपका एंगल 8 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, मैंने देखिए इन एंगल का जो डिज़ाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो जो मैंने इवन नंबर लिए हैं वो सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, जो भी इवन नंबर हैं उस देखो इक्वल हैं। मैंने डिज़ाइन एक डायग्राम को प्रॉपर इस मैनर में किया है कि आप डायग्राम से ही सब सीख जाएंगे। तो सारे इवन वाले देखिए इक्वल हैं। अब देखिए, अब आपको चलना है नेक्स्ट। अब अपन देखते हैं एंगल 1 में कैसे फाइंड करूं। तो इन दोनों का सम जो है मेरा लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम मेरा 180 होगा, तो ठीक है। तो 2 मेरा 60 है, तो 1 मेरा कितना होगा, चलिए मैं आपको पहले बच्चों की तरह करके दिखा देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, यहां पे एंगल 1 प्लस 60 इक्वल टू 180, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 120, ठीक है। अब सेम, अब मैं कर नहीं रहा हूं, अब आपको ओरली बता रहा हूं। 1 और 3 इक्वल वर्टिकली अपोजिट, ओके, ये भी 120 होगा। 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 120 होगा। 5 एंड 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 120 हो गया। तो एक एंगल से आपने पूरे के पूरे 7 एंगल निकाल लिए, ठीक। तो आपको कोई भी एक एंगल पता हो आप निकाल लेंगे, ठीक। अब एक और तरीका बताता हूं, आपने इससे ये निकाला, इससे आप ये भी निकाल सकते थे, इससे आप ये भी निकाल सकते थे, तो बहुत सारे वेज हैं बेटा इसको करने के। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मैनर बनाया है, अगर इस मैनर में आप डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको आधे लॉजिक तो वैसे ही याद आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो इवन वाले हैं ये इक्वल रहेंगे हमेशा, ये ऑड वाले हमेशा इक्वल रहेंगे, ओके, ठीक। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मल्टीपल जगह यूज़ होने वाला है, ठीक। वर्टिकली अपोजिट पहले से ही यूज़ होता है, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, तो वो कोई इशू नहीं है। और करस्पॉन्डिंग एंगल का लॉजिक भी कई स्मार्ट प्रॉब्लम में आता है, जहाँ पे एकदम से ये लॉजिक आ जाता है, तो आप इन चीज़ों को क्लियर रखें, ठीक। तो अगले पार्ट में हम लेकर आने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों को लग रहा है इतना सिंपल, तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स, मतलब सिर्फ ट्रायंगल नहीं, हर एक पॉलिनोमियल के लिए हम लेकर आने वाले हैं। और साथ में उसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, वो भी उसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा साथ में, ठीक। तो सारे ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, सारे पॉलिनोमियल्स के लिए लेकर आने वाले हैं। वीडियो छोटा रहेगा वो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने पूरे स्कूल सर्कल में शेयर करिए, जिसको भी आपको रिफ़र करना हो, आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका क्लासमेट हो, आपसे सीनियर को भी आप रेफ़र करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों के वीक होते हैं। यही रीज़न है कि मैंने ये लॉकडाउन में इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सर कोई बताता ही नहीं है। सब जो टीचर होते हैं वो हायर क्लासेस के होते हैं, लोअर क्लासेस के जो टीचर होते हैं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सेल्फ सारी की सारी सीरीज डिज़ाइन करी है कि बच्चा अगर इस सीरीज़ को कर लेता है तो वो सब कुछ कर सकता है। और एक आपके लिए खुशखबरी है, कुछ टाइम बाद हमारी एक और सीरीज़ आने वाली है, जिसमें मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराने वाला हूँ आप लोगों की, सारे एप्टीट्यूड रीजनिंग टोटल चीज़ें मैथ्स रिलेटेड जो आती हैं वो सब आपको उस वीडियो में कराने वाला हूँ, पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी वो भी। तो पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद उसका वेट करिए, और आपका सपोर्ट बना के रखिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक, ओके।
हेलो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है? और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।